भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रभारी भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हातिम सिंह गुर्जर ने वीरवार को उपजिला अरसपुरा के दौरे कर गुर्जर समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात की और उनके द्वारा की गई इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर किसान काउंसिल ने राज्य प्रधान महंत राजेश बिट्टू सहित कृषि क्षेत्र से जुड़े कई लोग भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के राज्य प्रभारी हातिम सिंह गुर्जर ने गुर्जर समाज के लोगों को रमजान मुबारकबाद दी और कहा उन्हें आज उनके साथ मिलने का मौका मिला। मेरा नाम रोशन दीन है। हातिम साहब गुर्जर भाई हमारे दिल्ली से आए हैं और हमारे हालात को देखने के लिए और बीजेपी के ये नागरिक हैं और हम सब इनकी बेहद दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने आके इतनी मंजिल को पहतह करके हम लोगों की मुसीबत और परेशानियों को देखा और हमारी बहुत सारी कमज़ोरियां ऐसी हैं जिनको इन्होंने आके देखा है। हमारे समाज हमारा आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त ये मीडिया सामने देख रहा है कि हमारी ये जुगियाँ जो है बिल्कुल बड़े गरीब लोग हैं, हम बहुत पिछड़ेपन लोग हैं कि पीछे जो यहाँ पर फायरिंग हुई थी उस फायरिंग की वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ था, घरों का नुकसान हुआ था, माल मवेशी का नुकसान हुआ था और हम इनको बता रहे हैं और ये हमारे हालात को देखते आप देख रहे हैं कि हमारे चौधरी महम हुसैन जी हमारे लंबरदार साहब के यहाँ पे आज इफ्तारी है और रमज़ान शरीफ का जो माह है पूरा इन्होंने अपने ढंग से किया है तो ईद भी आने वाली है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई हातिम सिंह नागर जी का जो इनके बीच आए। तो मैं समझता हूँ दिल्ली से पहला कोई ऐसा लीडर होगा जो इनके कुल्ले में आके बैठा है। तो जब जब कभी भी हालात ठीक रहे ख़राब रहे इनका साथ रहा। राष्ट्रवादी लोग हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने वाले लोग हैं और हमारे साथ इनके संबंध जो हैं वह हिंदू मुसलमान वाले नहीं हैं। मैं पहले वही बात कर रहा था, अभी हमारे उप महापौर ड्यूटी मेयर पूर्णिमा जी कह रहे थे कि आज अकेले अकेले आप सियाँ खाने जा रहे हो। तो ऐसे रिश्ते जहाँ भाईचारे वाले जो रिश्ते हैं तो ये एक मिसाल है। और मैं जब ये पार्टी ऑफिस में थे तो इन्होंने हमारे संगठन मंत्री जी से जब बात की उन्होंने कहा कि जरूर जाना चाहिए और एक सम्मेलन जो जैसे उन्होंने कहा उसको हम नाम देंगे सरहदी सम्मेलन, सरहद के ऊपर होगा, पाकिस्तान जो मात्र वहाँ से 50 मीटर 100 मीटर दूर है वहाँ पे होगा और एक हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे और बुलंद रोशनदीन जी ने जैसे बोला है मौलवी साहब ने कि ये राष्ट्रवादी लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे भी आकर के जहाँ बड़ी खुशी हुई, मैं तो अपना परिवार मानता हूँ, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ये किससे चलते हैं। पिछले दिनों माननीय हमारे बाकी संघ के लोग भी यहाँ बड़ा एक सम्मेलन हुआ उसमें भी पूरी बरादरी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। मैं आज माह रमज़ान की ओर जो समाप्ति की ओर जा रहा है उसका बहुत बहुत इनको बधाई और मुबारक पेश करने आया हूँ और साथ में ईद वाले दिन ईदी भी देंगे भी और लेंगे भी, देखते हैं क्या क्या होता है मौलवी साहब से। तो मैं आज फिर पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ हातिम सिंह नागर जी का, बड़े भाई का, जो इधर आकर के हमारे साथ सहयोग में रहे और आज इफ्तारी में हमने भाग लिया। गुर्जर समाज है ये किसी धर्म में बंधा हुआ समाज नहीं है। गुर्जर मुसलमान भी है, गुर्जर हिंदू भी है, गुर्जर सरदार भी हैं। हमारे यहाँ से चल के आने का मेरा इनका बीच में मतलब एक तो ये है कि ये गुर्जर कौम जो है ना देशभक्त कौम है। इसने एक नहीं सैकड़ों बार अपने आप को साबित किया है कि इस हिंदुस्तान में हमसे कोई बड़ा राष्ट्र भक्त नहीं है। आप तो यहाँ लोकल हैं, मैं तो यहाँ आया हूँ, आप देखते होंगे कि बॉर्डर पे यहाँ जब जब आवश्यकता पड़ी है ये मेरे गुर्जर भाई काम आए हैं। इन्होंने खुद जो है चाहे आतंकवाद आया हो, चाहे पाकिस्तान से गोला आए हों, चाहे गोली आए हों, इन्होंने अपना सीना आगे करके उसका सामना किया है, अपने पशुओं की बलि दी है, अपने भाइयों की बलि दी है। जब जब यहाँ पाकिस्तान गोला बारूद जो छोड़ता है तो यही लोग उसका सबसे पहले शिकार होते हैं। इसमें मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि जब से उनकी सरकार आई है, मेरे भाई ये सब मेरे पास खड़े हैं, तब से वो चीज़ें बंद हैं, ये मैं उन्हें क्रेडिट देना चाहूँगा। और दूसरे चीज़ें ये हैं कि जिस हालात में ये लोग रह रहे हैं मेरी मतलब समय से परे की बात है कि इनके कोई आवास की व्यवस्था नहीं है। इतने बड़े पशुपालन जो हमारे भारत सरकार में इतने बड़े बड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं पशुपालन के लिए, इनके आप देखो कितनी हज़ारों की संख्या में इनके पास ये भैंसें हैं, गाय हैं जिनके दूध का इनका मुख्य उद्देश्य है
और डेली ये हजारों घरों में ले जाकर दूध की सप्लाई करते हैं और ये मतलब पूरी तरह इस देश की मिट्टी में रमे हुए ये लोग हैं। मेरे आने का कारण जो एक टीस है मेरे मन में, जैसे हम बहुत संपन्न हैं, ये हमारे भाइयाँ उस स्थिति में नहीं है, तो मैं इनके बीच में आया हूँ, इनकी समस्याएं, इनसे बातें करके इनकी कौन सी चीज़ ऐसी है जो मैं दिल्ली तक पहुँचाऊँगा। और एक मेरा बड़ा मैं अभी अपने भाइयों के बीच में कह रहा हूँ, एक मेरी एक बड़ी सोच है, एक मेरा विचार है कि अगर इन लोगों का साथ हुआ तो मैं अमित शाह जी को इनके बीच में लेकर आऊँगा, एक गुर्जर सम्मेलन करेंगे और उसमें अमित शाह जी को लेकर आऊँगा कि उन्होंने जो एक सपना देखा है जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने का, वो तस्वीर जब तक ये गुर्जर भाई साथ नहीं होंगे तो वो रंग नहीं भरा जाएगा। मैं सिर्फ आज तो इन लोगों से मिलने और इन्हें बधाई देने आया हूँ, आगे ज़रूर हम इस पर काम करेंगे और अगर ईश्वर की कृपा रही और इन सब लोगों का साथ रहा तो निश्चित रूप से एक आगे डगर बनेगी, रास्ते बनेंगे। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।